सवाल है कि अगर प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाए कि हर बार हर लाइन को, क्लास टेंथ के प्रैक्टिकल में अगर पूछ लिया जाए 165 कोड में कि हर लाइन को हमें अलग अलग कलर में करना है, तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कर सकते हैं, तो ये बड़ा आसान है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से तो पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें कोडिंग तो उसी पे करनी है, तो यहाँ से नोटपैड पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहीं पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो HTML से शुरू हो जाइए आप, ठीक है। आप डॉक टाइप भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। फिर यहाँ लिखिएगा हेड, हेड पोर्शन लिख दिया। फिर यहाँ लिखिएगा टाइटल, टाइटल लिख दिया। जैसे टाइटल में क्या दे देंगे, हमें क्या करना है, फॉन्ट कलर लगाना है ना, तो फॉन्ट कलर कर देते हैं, फॉन्ट कलर ये लगा दिया। ध्यान रखिएगा कि कलर की स्पेलिंग COLOR रहेगी। यहां पर तो आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तो जैसे है वैसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप LOUR भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां पर मेन है वहां पर LOR लगाइएगा, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश यूज होती है HTML में, ठीक है ना। तो अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग होती है COLOR, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया, देन हेड को क्लोज कर दिया। हेड को क्लोज करने के बाद अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करना है, तो ये बॉडी टैग ओपन हो जाएगा। और बॉडी टैग ओपन होने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल लगा लीजिएगा। ये पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, कलर लगाना है, कलर, ठीक है। तो कलर कौन सा देना है हमें, तो यहाँ पे कलर देना है हमें, सपोज कीजिए रेड दे देते हैं, रेड, ठीक है। तो यहाँ पे रेड दे दिया, तो अभी जो है इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो रेड कलर में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सेव भी कर दिया है। अब यहाँ पर इसको चलाने की बारी है, तो 4TimeG के नाम से सेव किया। यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों जो मैंने दिया था वो प्रिंट हो रहा है। आप चाहते हैं अगर साइज बड़ी हो जाए तो साइज बड़ा करने का ये तरीका है कि इसके ठीक पहले, ये पैराग्राफ स्टाइल है ना, इसके ठीक पहले H1 लगा दीजिए, H1, ठीक है। H1 लगा दिया, यहाँ पे H2 लगा देते हैं, H2 उससे छोटा होता है, H1 उससे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो H1 और H2 लगा दिया, और इसको लास्ट में क्लोज भी करना होगा। तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे बाद में क्लोज होता है, ये तो फॉर्मूला HTML में चलता ही है, ये मैंने आपको बताया ही था। तो ये हो गया H2, H1 हो गया, H2 हो गया, और यहाँ से अब जा करके क्या करना है, H2 यहाँ पे H1 क्लोज करिएगा, ठीक है ना। नीचे H2 क्लोज कर दिया, ऊपर H1 क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद इसका आउटपुट देख लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आउटपुट आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट आया हुआ है, ये हमारा आउटपुट है। ये देखिए, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। आप चाहे तो नीचे भी बढ़ा सकते हैं, जितनी लाइन चाहे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये है ना, अब इसको सिर्फ उठाइए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापिस से H1 ही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे H1 या H2 कुछ भी आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे कलर का नाम चेंज करूंगा, पहले यहाँ पे H1 कर लेता हूँ, H1 में थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये H1 कर लिया, अब यहाँ पे ग्रीन के बजाय ब्लू कर देता हूँ, तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, तो BLUE ब्लू। तो यहाँ देखिए फॉन्ट कलर अलग अलग आएगा सबका, ठीक है ना। तो इसको सेव किया और यहाँ से डबल क्लिक वापस करके इसको चला लेता हूँ, फिर आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, इन दोनों की साइज सेम है, देख रहे हैं, H2 जैसे किया तो थोड़ा छोटा हो गया। तो ये इस तरीके से कलर प्रिंट कराना हो तो हर लाइन में अलग अलग कलर आप प्रिंट करा सकते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है ना।